सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम। ये जो धर्मशाला बनी हुई है, ये मूवी का जो एंजॉय कर रहे हैं, और ये वाह जी वाह, तुहाडे इत्थे भी दर्शन हो गए ने। हाँ जी श्रीमान, क्या पूछ रहे हैं जी आप कि कौन से होटल में रुका हूँ मैं? अरे नहीं भाई साहब, ये होटल नहीं है, ये गुरुद्वारा बाल लीला साहिब पटना साहिब के यात्री निवास का एक कमरा है, और आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके जाऊँगा गुरुद्वारा बाल लीला साहिब पटना। आइए मेरे साथ। ये यात्री निवास की पाँचवीं मंजिल से ही मैं आपको ये जो व्यूज़ हैं वे दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ये भी एक अकोमोडेशन वाला पार्ट ही है, और ये जो है ये गुरुद्वारा साहिब के जो व्यूज़ ऊपर से नज़र आ रहे हैं वे, और इसके साथ जो सिटी का दूसरा पार्ट है वे भी नज़र आ रहा है, और ये मैं इसके व्यूज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दोनों तरफ रूम्स के बीच में पैसेज है, वहाँ भी डस्टबिन रखे हुए हैं, और साफ सफाई का तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। टिंग 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 टिंग, आओ जी। ये है जी गुरुद्वारा बाल लीला साहिब के जो सरा या धर्मशाला बनी है, उसके नीचे वाला ग्राउंड वाला पोर्शन है, रिसेप्शन वाला पोर्शन भी कह सकते हैं, और ये रिसेप्शन है, और इसके चार्जेस मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो रिसेप्शन के साथ ही एक बहुत हाई एंड का कैफे बनाया हुआ है, इस विचार से क्योंकि यहाँ पर इंडिया से बाहर से भी काफी सारे यात्री आके रहते हैं। चैनल का नॉर्मल लांबा आप देखोगे? देखो बोलो, है नेट नहीं है। चल, जूता घर, शू हाउस और जोड़ा घर, और मैं अब जा रहा हूँ जी गुरुद्वारा बाल लीला साहिब के अंदर। शूज पाँव साफ किए, और ये अब मैं जा रहा हूँ जी गुरुद्वारा बाल लीला साहब। ये हिस्ट्री है जी, दोबारा बोल दो, गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत साहब जी, वैन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वाज ए यंग बॉय, ही यूज टू प्ले इन द पैलेस ऑफ राजा फतेह चंद मैनी एवरी डे। द क्वीन रानी विशंबरा देवी जी ऑफ राजा फतेह चंद यूज टू विश फॉर सन एज इनोसेंट नए प्योर सिंपल एज गुरु, बींग ऑमनिसेंट वन डे वाइल प्लेइंग गुरु जी वेंट एंड सैट डाउन इन क्वींस लैप एंड सेड दैट ही वाज हर सन। सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु। लंगर हाल गुरुद्वारा बाल लीला साहिब। ये है जी लंगर हाल, वाह जी वाह, बहुत ही अच्छे। ये मैं अब थाली ले रहा हूँ जी, ये मैंने ले ली थाली, और ये चेयर हमारी मेम साहब के लिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट हो चुकी है, नीचे वे बैठ नहीं सकती हैं। ये बहुत ही बड़ी व्यवस्था है जी, पंगत नंबर एक, पंगत नंबर दो, पंगत नंबर तीन, पंगत नंबर चार, और ये जो श्रद्धालु मेरे जैसे हैं जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते उनके लिए इंतज़ाम है। और ये कहा थोड़ा दूरी वाले जी, ऐ भाजी साढ़े नाल गए थे जी, ट्रैवल किया है, दर्शन तो साढ़े नाल लै गए थे जी, चंडीगढ़ के नेड़े आए रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये है जी नॉर्मल चाय चीनी वाली। हाँ जी, थैंक यू जी। और ये साथ में है,
ये पंजाबी में लिखा हुआ है जी फिक्की चाह, शुगर फ्री टी, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ के पेशेंटों को संतों के लिए जो बीज हैं उनको पैक करने का भी इंतजाम है। ये देखिए प्रसादे इन्होंने काफ़ी सारे इसमें से पैक कर दिए हैं। ये जो है वाओ, ये पैकिंग के लिए ये पॉलिथीन दे रहे हैं और साथ में इसको सब्जी जो है मैं भी देखती सब्जी की, अरे बहुत ही अच्छा सब्जी का जो है ये इस कंटेनर में देंगे, बहुत ही क्या शानदार सेवा हो रही है जी। ये जी बहुत अच्छे बहुत देखने को मिलती है, अरे वाह ये बिल्कुल, अरे हाईटेक की है, ये पैक भी हो रहा है, वाह जी वाह। जो भी संगत नगर चक्के थे बर्तन उसे यही कलेक्ट कर लेते हैं, इतनी सेवा भाव है। और ये जो है यहाँ रखे जूते बर्तन, यहाँ धोए जूते बर्तन साफ से तरफ से साफ करें, तरफ वाले बर्तन यहाँ धोए, वाह जी वाह बहुत अच्छे। ये देखो सब महिलाएं अपना अपना जीवन सफल कर रही है, क्या शानदार चीज है, बहुत अच्छे। देखो ये कितनी सेवा भाव से ये सब फीमेल जो है छोटे बर्तनों की सेवा कर रही है, थैंक यू बहुत अच्छे। ये है जी सब्जियों के लिए, हाँ 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 हाँ, ये सब वाह जी वाह, थोड़े अच्छे भी दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। ये सब अपनी लेडीज हैं अपने अपना जन्म सफल कर रही है यहाँ आके जनता की सेवा के लिए, लंगर की सेवा के लिए। ओहो ये कितनी सारी क्वांटिटी है जो कि ये लंगर में मोस्ट लाइकली ये शाम तक कंज्यूम हो जाएगा। ये है जी तखत हरमंदिर पटना साहिब, जहाँ से हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बाल लीला साहिब, यहाँ से हार्डली 200 मीटर दूर है। ये हमारी मैडम चली गई है आगे, तो मुझे वे पिकअप करना पड़ेगा उनसे थोड़ा सा तेज चल के। ये जो है पीछे के व्यूज हैं, ये मैंने अब तेज चल के अपनी मैडम को ढूंढ लिया है। ये हमारे में नेम साहब भी चल रही है तो मैंने पकड़ लिया, मेरे से आगे निकल गई थी लाल। चलो जी ये है जी रास्ता गुरुद्वारा बाल लीला साहब जाने के लिए तखत हरमंदिर पटना साहिब से। तो ये गुरुद्वारा बाल लीला साहिब है, तो ये गुरुद्वारा साहब के अंदर के व्यूज भी मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये जी अब मैं रात के टाइम बाल लीला साहब गुरुद्वारे के साथ ये जो धर्मशाला बनी हुई है इसके अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, और क्या शानदार नज़ारे हैं। राज माता विश्वम्भरा देवी जी यात्री निवास जो कि गुरुद्वारा बाल लीला साहब के साथ में ये सराह बनी हुई है, कार सेवा भूरी वाले संत जी सब इन्होंने बनाई है और वही इसको मेंटेन कर रहे हैं, और ये किसी भी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। ऐसा कोई एक नॉर्मली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि गुरुद्वारा में इतनी अच्छी रहने का इंतजाम मॉडर्न स्केल के ऊपर होगा। अरे वाह 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 बहुत ही अच्छे। ये संगत जो है सारी जमीन के ऊपर बैठ के, आ हा 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 क्या नज़ारे हैं। ये इतनी सारी संगत और ये बैठ के इस ये मूवी का जो एंजॉय कर रहे हैं। और ये है जी यही वही जो मैंने आपको सराह बोली थी या धर्मशाला बोली थी, ये पंजाबी में लिखा हुआ है जी ये है जी राज माता विश्वम्भरा देवी जी यात्री निवास, ये पंजाबी में लिखा हुआ है। और ये जो है पूरी डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो पूरी इसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है। ये है जी गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत पटना साहिब। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु।